YouTube लाइव नाउ पर आपका स्वागत है। मोटिवेशनल सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि क्यों हार जाते हैं हम, क्यों असफल होते हैं। ज़्यादातर लोग असफल इसलिए होते हैं क्योंकि उनके मन में कोई टारगेट ही नहीं होता, कुछ उन्होंने मोटिव तय नहीं किया होता है, उन्हें पता नहीं होता कि हमने आगे क्या करना है। इसलिए वो जिस रास्ते पर चलते हैं उनका कोई डिटर्मिनेशन भी नहीं होता, उस संकल्प भी नहीं होता, और उस पर वो काम करके कोई मेहनत भी नहीं करते। दूसरी बात ये है कि वो ऐसे लोगों से सलाह लेते हैं जो कि उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं होते। वो किसी भी साधारण व्यक्ति से जो उस बात की कोई महत्वपूर्ण जानकारी ना रखता हो उससे डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद अपने काम को शुरू कर देते हैं उस व्यक्ति की गाइडेंस पर जो कि एक्सपर्ट नहीं है। तो आपको गाइड करने वाला कितना एक्सपर्ट है ये आपकी सफलता को निर्धारित करता है। अपनी सलाह योग्य व्यक्तियों से लेनी चाहिए। अयोग्य व्यक्तियों से या उस फील्ड की जानकारी न रखने वाले व्यक्तियों से अगर आप किसी प्रकार की सलाह लेकर कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। फिर अगर आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, आत्मविश्वास नहीं है, तो आप दूसरों का मुंह देखेंगे और आप सोचेंगे कि ये मुझे गाइड करेगा तब मैं कुछ करूँ, अन्यथा आप नहीं करेंगे और आप हमेशा नर्वसनेस से फील करेंगे और आपके व्यवहार में दीनता और गिड़गिड़ाहट होगी। और ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर दूसरों की चापलूसी करने में लगे रहते हैं, ये दूसरों की जी हुजूरी करने में सबसे आगे रहते हैं। आप किसी का कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर सकते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर। अगर आपका समय हेजिटेशन में चला जाता है, निश्चयों का पुनर्विचार करने में ज़्यादातर समय वेस्ट हो जाता है, तब आपको अपने तौर तरीके में, अपने रवैये में थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। अपने मन में किसी प्रकार का डाउट मत रखिए, कोई किसी प्रकार का संशय मत आने दीजिए। अपने आप को क्रियाशील रखिए। जिस काम को आपने डिसाइड किया है पहले अपना एक उद्देश्य तय कर लें और फिर उसके ऊपर काम करें, और वो भी सही डायरेक्शन में, सही गाइडेंस के साथ, सही डिटर्मिनेशन के साथ और सही लगन के साथ। यदि आप एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसके बाद ढीले ढाले बैठ जाते हैं और फिर उस पर कोई काम नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति से उस चीज़ को डिस्कस नहीं करते हैं जो उस फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, उनके बारे में स्टडी नहीं करते हैं, तब आप सफल नहीं हो सकते हैं। और सिर्फ काम करने का दिखावा मत करिए। काम करने का, ढोंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम शुरू करने का एक नाटक सा कर लेते हैं, आप उसके लिए पूरा खर्च करते हैं, शॉप्स बनाते हैं, मॉल्स बनाते हैं, लेकिन उनमें या तो एम्प्लॉइज़ ऐसे रख लेते हैं या वो खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेकर काम नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उनका बिजनेस चौपट हो जाता है, क्योंकि उनके सबॉर्डिनेट जब देखते हैं कि उनका सीनियर व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उनका बॉस इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो कंपनी फ्लॉप हो जाती है, वो काम बंद करना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से जब तक आप काम में खुद अपना इंटरेस्ट नहीं लेते, आपको पूरा जो वेल फर्निश्ड आप सामान लेकर और चीज़ें सजा कर अगर सोचे कि आप काम करके सफल हो रहे हैं, तो ये सफलता नहीं है, ये सिर्फ सफलता का दिखावा है। यदि आपको संदेह होता है अपने टैलेंट पर, तो पहले आप पुनर्विचार कर लीजिए कि आपकी योग्यताएं क्या हैं। अगर आपको लगता है कि किसी काम के लिए आप योग्य हैं, तभी उसका कार्य में कदम बढ़ाइए। सिर्फ दूसरों की देखा देखी कोई काम चुन मत लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, अपने करियर की शुरुआत में वो क्या करते हैं कि उनका पीयर प्रेशर होता है कि उनका फ्रेंड इस सब्जेक्ट में स्टडी करना चाह रहा है, तो या उनकी फ्रेंड सहेली कुछ उस फील्ड में काम करना चाह रही है, तो सब मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि वो सब इसी सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, चाहे वे उनका इंटरेस्ट का हो या ना हो। इससे जो लोग तो टैलेंटेड होते हैं वो तो सफल हो जाते हैं, जो लोग देखा देखी काम करते हैं उनको असफलता का मुँह देखना पड़ जाता है। तो आपको ये पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप पीयर प्रेशर में काम तो नहीं कर रहे हैं, अपने कलीग्स को देख कर उनकी देखा देखी तो काम नहीं कर रहे हैं। आप अपने दिमाग से काम लीजिए, अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि आपको क्या पसंद है, आपका क्या टैलेंट है, आपकी क्या योग्यताएं हैं। अगर आप दूसरों के इंस्ट्रक्शंस पर चलते रहेंगे या दूसरों को देख कर काम करते रहेंगे, तो इसका मतलब आपका वजूद कहाँ है? कुछ भी नहीं है, आप दूसरों के इशारों पर चल रहे हैं। आप स्वयं क्या कर रहे हैं ये आप खुद डिसाइड करिए। हाँ, गाइडेंस आप अपने सीनियर से ले सकते हैं, लेकिन विचार आपके मौलिक होने चाहिए, ओरिजिनल आपकी थॉट होनी चाहिए और अपनी योग्यता को पहचानने की क्षमता आप में होनी चाहिए।
और फिर जब तक आप उस काम को कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, उस काम को पूरा कर नहीं लेते जब तक, तब तक आप उस चीज़ के बारे में उसे छोड़ने का सोचिए भी नहीं। लगातार उस चीज़ पर आप श्रम करिए, और लगातार श्रम का मतलब ये नहीं कि आप रात भर जागते रहें। आप अपने टाइम फिक्स कर लीजिए, जितनी देर आपको स्टडी करना है, जितनी देर अपने प्रोजेक्ट पर काम करना है, अपना प्ले टाइम रखिए, फैमिली के साथ आपको जो टाइम स्पेंड करना है उस चीज़ को भी रखिए, हर चीज़ का एक लिमिट रखिए, लेकिन इस चीज़ को, इस शेड्यूल को आप मिस मत करिए। यानी जो आपने पढ़ने का या अपने टारगेट पर काम करने का जो टाइम फिक्स किया है उसे आप मिस करके किसी और काम में वेस्ट मत करिए, उसे ज़रूर करिए और डेफिनेटली करिए। जितनी मेहनत करने के आपने घंटे अपनी तरफ से निर्धारित किए उनमें आप ज़रूर काम करिए, तब आप सफल हो सकते हैं। और अपने ऊपर अनावश्यक शक मत करिए कि आप यही सोचें कि मेरे से नहीं होगा। नहीं होने के कारण की बजाय आप ये सोचिए कि किस तरीके से ये और अच्छी तरीके से हो सकता है। उन चीज़ों पर आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तब आप देखेंगे कि आप जो नेगेटिव चीज़ें थी उसको कैसे ओवरकम कर गए और कैसे आप सफल हो गए। आप एक बार सफल होते हैं तो अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट स्वयं करिए, अपने आप को खुद बधाई दीजिए कि आज मैंने ये टारगेट फिक्स किया था, ये मैंने कंप्लीट किया है, ये मेरी सफलता है। छोटे छोटे सफलता को आप जीवन में एंजॉय करिए, तब आप बड़ी बड़ी सफलताओं की ओर बढ़ेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, ऑल द बेस्ट। YouTube लाइव नाउ से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। YouTube लाइव नाउ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिए। मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, बिजनेस, करियर गाइडेंस और वेरियस इश्यूज़ पर अच्छी अच्छी और इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।